बोल रही हेलमेट लगा लो, मास्क लगा लो। नहीं नहीं थोड़ी है ना बातचीत क्लियर नहीं आएगी, इसलिए हमने सोचा कि सुबह सुबह है ना, हम जा रहे हैं आपको बढ़िया सी जगह पे, जो हमारा बचा हुआ था पार्ट ना, बचे हुए पार्ट हैं उसको आज पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हेलमेट भी है सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने के लिए, थोड़ी सी दूर के लिए हटाया है बस, थोड़ी सी दूर के लिए हटाया है। भाई आज हम आपको लेके जाने वाले हैं कहाँ पे? बैराज तक, आस्था पथ से आगे जो रह गया ना हमारा उसको कंप्लीट करना है आज। हमने आपको साई घाट से थोड़ा और आगे दिखा दिया था, तो उससे आगे का बैराज आपको दिखा देंगे, बैराज तक जाने की कोशिश करेंगे। अब कहाँ तक जा पाते हैं कोई आइडिया नहीं है। तो भाई बाबा जी चाय पिला रहे हैं, लेमन टी और वैसी चाय भी दूसरी भी, अभी लेमन टी आज। तो हम आए हुए हैं भाई आस्था पथ पे, हमने आस्था पथ जो त्रिवेणी घाट से शुरू हो रहा है इस साइड वाला बैराज तक दिखाने के लिए दो वीडियो बना चुके हैं, दो वीडियो बना चुके हैं, पहला तीसरा बना रहे हैं हम। पहला 72 सीढ़ियों का था तक था, और दूसरा साई घाट से भी आगे पूर्णानंद क्या पूर्णानंद घाट तक था, तो वो घाट था। तो आज फिर यार वहाँ से आगे का बना रहे हैं, आते के साथ हमने पहले भी देखी थी यहाँ पे ना बाबा एक चाय सर्व कर रहे हैं, तो हमारे को भी उन्होंने कहा कि भाई पी लीजिए, बुला के नहीं बेटा पी के जाओ, लेमन टी जिंजर और विद सॉल्ट और हनी के साथ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई जो पीछे चाय पिलाई ये आपको देख के याद आ गया, ये वाला दिखा चुके हैं भाई हम आपको। हाँ। तो बात शेयर करनी थी, मैंने इससे पूछा कि दोस्तों को बताने के लिए ना डिटेल पता करके कौन पिला रहा है, क्या संस्था है, क्या चीज है। तो देखिए बाबा ने क्लियर नहीं बताया कि उन्होंने कहा नहीं, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने ये बोला कि आप जैसे लोग ही पिला रहे हैं, आते हैं कुछ दे जाते हैं कुछ नहीं दे जाते हैं, तो मतलब ऐसे ही चल रहा है। देखिए नॉर्मली क्या करता है कि हमें ना बड़ी बड़ी पट्टियों पे लिखवा देते हैं, शर्मा जी का बनाया हुआ बेंच, फलाने का बनाया हुआ कमरा, और देखिए वो मेरे ख्याल से पता नहीं कब से पिला रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा उनको, हमें ये भी नहीं पता कि कोई संस्था है या खुद पिला रहे हैं, तो नहीं अपना कोई नाम ही नहीं लेके राजी हैं वो। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने नाम के लिए भी मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है जी। हाँ। जो दे जाओ तो उसका भला और ना दे तो उसका भला, और दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ। और ये 5 से 8:30 बजे तक सुबह पिलाई जाती है। इसके ऊपर भी यार है कुछ बातें ना कि दान करते वक्त नाम लेना चाहिए नया नहीं लेना चाहिए, शेयर करेंगे नहीं बातें करते हैं अभी, क्योंकि ना इंस्टेंट टॉपिक याद आ जाता है तो वो शेयर करने में भी कोई बुराई। ये ना गड़बड़ करने के लिए मशहूर है, पूर्णानंद घाट नहीं, हम मोहनानंद घाट तक आपको दिखाया था, तो इससे आगे का दिखाना है। भाई आपको सोफा व्लॉग कैसा पसंद आया? मतलब उसमें ना मेन बात किसी ने समझी नहीं, बता तो मेन नहीं, मतलब ये अब ये दिखाता है कि हम कितने बड़े अनप्रोफेशनल ब्लॉगर हैं, जिस बात के लिए हमने ये शर्मा जी ने ना कचरा कर दिया सारा। जिन्होंने भी रिकमेंड किया था ना कि आप इस घाट पे आके यहाँ की बनाइए, वाकई सच में सही किया, बिल्कुल बहुत सुंदर घाट है, एकदम साफ सुथरा, और बैराज तो अभी शायद मुझे लग रहा है 2-4 किलोमीटर दूर है, पता नहीं कितना है पर मजा आ रहा है यहाँ पे ना, बिल्कुल साफ सफाई और एकदम शांति, जैसे हमारी सोसाइटी के बाहर का व्यू दिखता है ना साफ सुथरा, इसी तरह का यार यहाँ का बहुत प्यारा व्यू है, बहुत सुंदर। तो भाई जिसने भी जिन्होंने भी रिकमेंड किया था ना कि यार शर्मा जी जरूर चले जाओ, तो बहुत से ने किया कि भाई उधर का जाओ, पता नहीं क्या क्या रिकमेंड करते, भाई उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, हर हर महादेव।
एक वीडियो पे ना एक भाई ने कमेंट किया, इसने जब बोला ना कि शेयर कर दो, तो कह रहा यार आप क्या बनाते हो कुछ समझ नहीं आता हमारे को। अच्छा, कुछ, मतलब कुछ मजेदार बनाओ तब शेयर करेंगे। तो मैंने क्या कमेंट किया, मैंने कहा कि क्या पता आप ज्यादा समझदार हो, आप शेयर करके तो देखो, क्या पता आपको पसंद नहीं आया दूसरे को आ जाए। क्या पता बताऊं दूसरा हाँ। आदमी सामने वाला जिसको शेयर करे वो हमारे जैसा मंदबुद्धि हो। बता दो ना, हमारे जैसे कार्टून भी धरती पे बहुत हैं भाई, जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशियों में ना बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारे को यार बहुत बड़ी सल्तनत वो नहीं चाहिए, क्या पता उनको भी नहीं चाहिए होती है, हमारे जैसे कार्टूनों को देख के खुश हो जाए वो। खुश रहो यार, मत करो, अगर आपको आपको नेगेटिव लगता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो शर्मा जी ने बोल दिया था। हाँ, खुश रहो, पहले ही बोल दिया था, बताता रहा हूँ, खुशी ही सब कुछ है। मेरी बात काटने में नंबर वन है। बंदर है ना, कुछ कहना चाहता है, आवाज़ लगा रहा है खाने के लिए। ये देखो, कुछ खाना चाहिए मेरे से, नहीं कुछ खाना चाहिए ये गो। ये गौरी माता सिद्ध पीठ, ये गौरा जी है, शिव जी है भाई हमारे पीछे है, भोले शंकर मंदिर, भोलेनाथ की प्रतिमा देखिए यार कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, एकदम मन को मोह लेने वाली। और पार्वती माता, भाई ये है जो मोहनानंद घाट, साईं बाबा के बाद मोहनानंद घाट आता है, साईं घाट के बाद मोहनानंद घाट आएंगे, उनके बाद है ये वाला मंदिर गौरी शंकर। हाँ जी, तो गुड़ से एक बात याद और आ गई है कि किसी ने बताया था कि अगर आप उबलते हुए दूध में अगर टेस्ट करना है ना कि वो केमिकल फ्री गुड़ है, तो उसको उबलते हुए दूध में डालिए और 2-3 मिनट उसको उबलने दीजिए। अगर वो फट गया तो समझो कि वो ओरिजिनल नहीं है, और नहीं फटा तो समझो कि वो केमिकल फ्री। और ऐसे ही चाय पे कई बोलते हैं हमारी गुड़ डाल के चाय फट जाती है, तो वो यही है कि वो फिर नकली गुड़ होगा पक्का। तो हमारी ये बात हमने नोटिस की है कि मेरी तो चाय भी नहीं फटती है, नकली से मेरा मतलब है कि उसको केमिकल से प्रोसेस किया गया है। हमारी चाय बिल्कुल नहीं फटी है, पहले ना 8-10 साल पहले फट जाती थी, पर किसी ने सजेस्ट किया ये वाला, वो जब से हमने बोला मतलब अजमाया, प्रोसेस बताया, तो उसके बाद उन्होंने फिर हमने अप्लाई किया, गुड़ भी हम ठीक से लाए। दुकान वाला जो भी बोलता है ना केमिकल फ्री है, तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं, तो जब ठीक होता तभी उससे लेते हैं। और अगर कुछ और प्रोसेस हो और किसी को पता हो तो भाई क्या पता, हम किसान भाई जुड़े हो तो वो भी बता, वो भी बता देना भाई टेस्टिंग का फॉर्मूला ठीक है। नहीं, दूसरा यार आपसे बताना था कि आज का जो वीडियो आज हमने गौरीशंकर मंदिर तक दिखा दिया, और गौरी शंकर जी की भोलेनाथ की इतनी सुंदर मूर्ति है ना, हमने आज तक नहीं देखी, तुमने देखी है कभी? नहीं। इतनी सुंदर हम भोले बाबा को कभी सजा सवरा, इतना सजा सवरा नहीं देखा हमने, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। तो और बाकी हमारे कुछ मित्र सब्सक्राइबर आए हुए हैं शाम को गंगा के घाट पे, तो वहीं पे मिलके वहीं पे बात करते हैं। हां जी, तो दिल्ली से मिलने आए हैं हमारे मित्र, आलोक बता दो भाई, आलोक। क्योंकि हमारी ना हाइट कम, भाई को ही पकड़ा दिया, भाई तू ही पकड़ ले, तू ही बना दे। गुड़गांव से आए, गुड़गांव से आए। और अरुण चावला, चावला साहब है, अक्षय मनोचा, अक्षय मनोचा, आलोक मनोचा। तो भाई अब रात के क्या टाइम हो गया? 10 बजे। इनकी हवा टाइट हो पड़ी है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, और हम 8 बजे से लेके 2 घंटे हो गए यहीं पे है, यहीं पे बैठे हुए हैं, बतला रहे हैं।
बड़ा मजा आया भाइयों से मिलके ना, मजा अच्छा लगा। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, शर्मा जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, घर जाने का मन ही नहीं हो रहा। और भाई ने एश्योरेंस दिया अगली बार मिलेंगे तो 5 से 10 किलो वजन कम करके मिलेंगे। और भाभी जी हमारा ये वीडियो देखेंगी ना तो इनके थोड़े से टाइट कर दो, छोले बल्ले पापड़ी कुलचे सब बंद कर दो इनके। शर्मा जी तो नहीं कर पाए पर आप कर लेना। ज्ञान तो बांटने के लिए होता है ना, दूसरों के लिए अपने लिए थोड़ी होता है।